बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खुशाब सिलिंग पॉइंट। तो दोस्तों, आप जो स्क्रीन पे आए डिज़ाइन देख रहे हैं, आज इसकी मार्किंग करनी है। बिल्कुल डिज़ाइन आसान है, लेकिन गौर करना है। बस इसमें कोई इतनी ख़ास बात नहीं है, बस थोड़ी सी है जो यहाँ पर जो जगह जो एरिया बन रहा है उसी में ही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आपने क्या करना है, ये हमने 2 फुट का इसका जो है पट्टा स्टेप लगाया है। यहाँ पे रूप लाइट आएगी, तो ये 2 छोटे राउंड दिए हैं मैंने पिंक कार से। तो ये आपने किस तरह बनाने हैं ये मैं आपको पहले बताता हूँ। तो ये तो वैसे जो हमारी शीट होती है उसमें से ही हम ये पिंक कार लगा लेते हैं। तो मैं वैसे आपको बता दूं कि इस जगह पे ना इस तरह मैंने फिक्स की है पिन कार, इस तरह फिक्स करके यहाँ पे निशान लगाया है और इस साइड पे आके इस तरह फिक्स की है। तो इस तरह ये 2 छोटे से जो है ना कट बनाए हैं जो राउंड शक्ल में। तो अब जो इसका अंदर वाला है वो आपको बताता हूँ। तो ये डिज़ाइन आप जितना रखेंगे उतना ही आप, मतलब 4 फुट का रखना है तो आप 2 फुट इधर लगा लें, 2 फुट इधर लगा लें, 2 फुट रखना है तो 1-1 फीट इस तरह रख लें। तो ये निशान लगाते हैं। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये हमारा अंदर वाला स्टेप बन गया है। अब हमने क्या करना है कि इस साइड से हम जगह छोड़ेंगे, इधर से हम तकरीबन 1 फीट छोड़ देते हैं। तो अब हमने पिंक कार लगानी है। तो वो किस तरह लगानी है उसका मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। दोस्तों इस निशान से यहाँ तक हम तकरीबन 1.5 फुट लगा सकते हैं। ये जो निशान लगा हुआ है इसको आपने देख के ना कि जहाँ से आपकी पिंक कार, इस लाइन से आपको जो है ना पिंक कार इस तरह आनी चाहिए। तो इस हिसाब से हम पीछे निशान लगाएंगे, जो पीछे हमारा निशान होगा उससे हम इस ये शीट वाली जो जगह होगी इससे हम टच करके इसको हम इस तरफ फेर देंगे। फिर हम इस साइड पे आएंगे और ये निशान इसकी मैच करके हम इस साइड पे लगा देंगे। जितना ये रखना है इतना यही रखना है। और फिर इस जगह पे आएंगे, इस जगह पे आके फिर हम इस तरह हम पिंक कार फेर देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सेम एक जैसे निकल आए हैं। तो मैं इसे थोड़ा मोटा करता हूँ और जो फालतू निशान है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, अब आपको समझ आ गई होगी कि ये पिंक कार किस तरह लगाई है। ये निशान लगा हुआ है और ये निशान लगा हुआ है, इसको पीछे आपने रख लेना है ताकि जहाँ तक आपकी ये शीट लगी होगी उससे पीछे आपने निशान लगाना है, वहाँ से फिर आपने ये राउंड लगाना है। तो दोस्तों आज का जो डिज़ाइन है वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आज के डिज़ाइन की आपको समझ आई होगी और अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगी। और इंशाल्लाह फिर कोई नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। इस वक्त के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।